द डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ एन इंसुलेटर कैन बी, कौन सा हो सकता है? देखो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो इंसुलेटर्स के लिए होते हैं वो वन से इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी हो सकता है, बस ये चीज अगर याद रहेगी तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। वन से लेकर इनफाइनाइट तक हो सकता है डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। वन होता है फ्री स्पेस के लिए वैक्यूम, इनफाइनाइट होता है कंडक्टर्स के लिए, और अगर कोई भी डायलेक्ट्रिक या इंसुलेटर तो वन से ग्रेटर और इनफाइनाइट से लेसर। तो वन से ग्रेटर और इनफाइनाइट से लेसर, बस यही चेक करना है। माइनस वन नॉट पॉसिबल, माइनस वन तो हो नहीं सकता, जीरो नॉट पॉसिबल, वन और इनफाइनाइट के बीच में है, 0.5 वन से लेसर ये भी पॉसिबल नहीं है, तो केवल कौन सा बचा, फाइव, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, वन और इनफाइनाइट के बीच में। ये चीज ध्यान रखेंगे, वन फ्री स्पेस के लिए, इनफाइनाइट कंडक्टर्स के लिए, और बाकी कोई भी हो वन और इनफाइनाइट के बीच में तो कोई भी मेटल हो सकता है, इसलिए इसने कहा कैन बी, कौन सा पॉसिबल है। वैल्यू याद नहीं करनी है आपको इंसुलेटर्स के लिए, किसी के लिए कुछ होगी किसी के लिए कुछ, इसीलिए यहां इसने कहा है कैन बी, कौन सा पॉसिबल हो सकता है, तो फाइव पॉसिबल हो सकता है, वन और इनफाइनाइट के बीच है, फाइव ही पड़ रहा है।